ओके गाइस, तो मार्केट ओपन हो चुका है और हमने यहाँ पे बाई किया है 43,200 का पीई। करंटली देखे तो 2,250 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। और बात कर लेते हैं हमने यहाँ पे पी साइड का पोजीशन क्यों बनाया। तो हमने इस वाले कैंडल पे बाई किया है। जैसा कि मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होके एक सेलिंग आया, फिर यहाँ से ये कंटिन्यू ऊपर के साइड मूवमेंट किया, फिर ये सस्टेन नहीं कर पाया। ये जो सेलिंग आया है, ये अच्छा सेलिंग आ गया। अगर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था तो इस तरह का सेलिंग नहीं करना चाहिए था मार्केट को। फिर क्या हुआ, यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर जाता है, फिर सेलिंग आता है, फिर यहाँ थोड़ा सपोर्ट लेके फिर से थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश करता है। तो मार्केट ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली इस तरह से इसको कवर करके इस तरह से इसको निकल निकल जाए। जाने का तो चला जाए, बट ऐसा प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई नहीं करेगा कि ये इसको डायरेक्टली ब्रेक करके ऊपर के साइड चला जाए। और ये जो मूवमेंट आया हुआ है तेजी का, तो मे भी इसको देख के काफी लोग इसको लगेगा यहाँ पे कि मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड जा सकता है। तो ये एक पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट के ऊपर के साइड कोई भी एसएल नहीं है, लेकिन मार्केट अगर नीचे को आएगा तो मार्केट को में भी ये सब लेवल ब्रेकआउट कर सकता है। और ये सब थोड़ा बात ध्यान में रखते हुए और थोड़ा सेंटिमेंट ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे सेलिंग साइड का पोजिशन बनाया है। तो मार्केट अभी तो हमारे मुताबिक ही चल रहा है और 800-900 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। हमारा एसएल है इसके ऊपर ऊपर लगा हुआ एसएल, इसके ऊपर ऊपर निकलेगा 60 पॉइंट जैसा हमारा एसएल है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम ट्रेड एग्जिट कर देंगे। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करते हैं। ओके गाइस, तो अच्छा फॉलिंग आया है और हमारा प्रॉफिट भी देखे तो बढ़ के 1700-1800 के आसपास चल रहा है। 15% का रिटर्न मिल रहा है हमें। तो वेट करते हैं, यहाँ पे आने देते हैं इसको। इस लेवल का क्रॉस करेगा तो फिर हम डिसाइड करेंगे टारगेट बुक करना है। इस लेवल का क्रॉस करने देते हैं, सपोर्ट जोन है यहाँ पे, तो वेट करते हैं, अभी आने देते हैं इसको। गाइस, मार्केट यहाँ से थोड़ा रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है बट कर नहीं पाएगा। और हमारा प्रॉफिट देखे तो कम हो गया, 1600-1700 के आसपास चल रहा है। वेट करते हैं, अभी थोड़ा आने देते हैं, इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तो फिर हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है तो यहाँ से हो सकता है रिवर्सल भी कर दें, लेकिन इस लेवल का ब्रेकडाउन करने के बाद ही जो भी होगा होगा। तो वेट करते हैं, अभी आने देते हैं, आ रहा है नीचे के साइड। तो यहाँ तो कैंडल स्टिक ठीक नहीं बना रहा है, थोड़ा आ जाने दे, वेट करते हैं, वेट करते हैं, थोड़ा इसको आने देते हैं। लेकिन ये जो कैंडल स्टिक बना है यहाँ से, फिर एक तो बड़ा ग्रीन कैंडल ना बना दे, क्योंकि यहाँ पे सेलर भी एक्टिव हो सकता है। तो हम रेडी रहते हैं, यहाँ पे एग्जिट करेंगे, अगर थोड़ा वेट करते हैं, अगर कोई बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है तो एग्जिट कर देंगे यहाँ पे। प्रॉफिट कम होके देखे तो 1300 आसपास चल रहा है और वेट कर रहे हैं, मार्केट यहाँ से थोड़ा रिवर्स कर रहा है, लेकिन ये छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बना रहा है। अगर यहाँ से नीचे के साइड एक बार आया ना तो बहुत अच्छा हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो वेट करते हैं, चांस है अभी, जब तक यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं बनता तब तक एग्जिट नहीं कर रहे। अगर इसको लेवल को डाउन अगर किया तो हमारा प्रॉफिट इजीली यहाँ पे 2,500-3,000 के आसपास चला जाए। आने देते हैं इसको, थोड़ा वेट करते हैं। इस ट्रेड में तो लॉस अब नहीं लेंगे, जस्ट वेट कर रहे हैं, थोड़ा टारगेट बड़ा हो जाए तो, और कुछ नहीं, वेट करते हैं यहाँ पे। हेलो, हाँ हेलो, ये परल वाले हाँ हम राना बोल रहे हैं। किसको चाहिए, किसको चाहिए? ना ना वो नहीं है। तो गाइस, मार्केट से हम एग्जिट हो गए, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर दिया है, पोजीशन लॉस में एग्जिट नहीं किया है। अरे भाई, किसको चाहिए? हेलो, हाँ हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है? मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया था एसएल, और कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा एसएल हिट हो गया। तो गाइस, यहाँ पे कुछ लर्निंग पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, मैंने जो गलती किया उससे आप भी सीख सकते हैं, और मैं तो कोशिश करूंगा ही आइंदा से ये गलती ना करूँ। जैसे कि मैंने अपना रूल बना के रखा हूँ कि मैं जब ट्रेड में कोई भी एंट्री लूंगा तो मेरा वहाँ पे एसएल रहेगा 30 पॉइंट का, और बदले में टारगेट 50-60 पॉइंट के ऊपर का जो टारगेट रहता है। मैं क्या किया, मैं यहाँ कहीं पे एंट्री लिया था इस वाले कैंडल पे, और मार्केट मुझे अच्छा प्रॉफिट दिखाया, करीब 2,500 के प्रॉफिट चल रहा था जब मार्केट यहाँ कहीं पे आया था। मैं यहाँ पे होल्ड किया, जैसा कि यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया, मैंने बोला भी कि मार्केट इस कैंडल को नीचे ब्रेक कर देगा, तो मैंने यहाँ पे होल्ड कर लिया ये वाला कैंडल देख के। फिर मार्केट क्या किया, धीरे धीरे ऊपर के साइड आ गया और पूरा प्रॉफिट कम हो गया। यहाँ कहीं पे मेरा, मैंने क्या किया था, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आके एसएल लगा दिया था यहाँ कहीं पे, ऑटोमेटिक मेरा ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो गया। पहला यहाँ पे गलती ये है मेरा कि मैंने यहाँ पे अपने रूल को ब्रेक किया। मेरा जो रूल था क्या था, मार्केट में आऊँगा तो मैं या तो 1500 का लॉस दूंगा 30 पॉइंट का,
या तो टारगेट लूंगा 60 पॉइंट का। प्लस मैंने क्या किया यहाँ पे, रूल तो ब्रेक किया, और सेकेंड मिस्टेक किया मैंने यहाँ पे डिसिप्लिन भी अपना फॉलो नहीं किया, क्योंकि मेरे को डिसिप्लिन का साथ मेरे को यहाँ पे वेट करना था कि ठीक है मार्केट यहाँ आया है तो या तो मेरा एसएल लेके जाए या फिर मेरे को टारगेट दे दें। तो मार्केट ठीक यहीं पे आया और यहाँ से फॉल किया, देखिए कितना अच्छा फॉल किया यहाँ से, मेरा ट्रेड यहाँ कहीं पे एग्जिट हुआ और यहीं से मार्केट नीचे का साइड आ गया। साइकोलॉजी इशू कहाँ पे आ जाता है, मार्केट जब क्या मैंने ट्रेड लिया लॉस में चल रहा है तो ठीक है, लेकिन एक बार प्रॉफिट आ जाने के बाद, अच्छा खासा प्रॉफिट देख लेने के बाद, जब प्रॉफिट कम करने लगता है ना मार्केट, तो उसमें क्या होता है हम लोग इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाते। इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाया और यहाँ कहीं पे एग्जिट किया, और जहाँ पे एग्जिट किया वहीं से मार्केट धड़ाम करके नीचे आ गया। सभी का साथ ही शायद ऐसा होता होगा, अगर होता होगा तो हमें इस पर कंट्रोल करना होगा साइकोलॉजी पे, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं जहाँ से एग्जिट किया मार्केट वहीं से नीचे आ गया, बहुत बार हुआ। मैं तो बिल्कुल ध्यान रखूँगा अगली बार से कि मैं मार्केट में इस तरह से ना करूँ, या तो प्रॉपर टारगेट लूँ या फिर प्रॉपर एसएल देके मार्केट से बाहर निकलूँ। तो ठीक है, यही था लर्निंग पॉइंट यहाँ पे, और तो यहीं पे आज का दिन क्लोज करता हूँ। तो गाइस बैठा हुआ था मार्केट देख रहा था तो एक अच्छा सेटअप दिखा और मैंने यहाँ पे ट्रेड बना लिया, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एसएल देके ट्रेड बना लिया था और अच्छा मोमेंट मिला और हमने प्रॉफिट बुक किया 2400 का इसमें। तो हमने पोजीशन बनाया था लमसम ये 2 बजे के आसपास का पोजीशन था और 2:12-13 में एग्जिट कर दिया। तो आज का दिन ये क्लोज करते हैं, मिलते हैं मंडे के दिन।